अस्सलाम वालेकुम फिफ्थ क्लास, हाउ आर यू? आई होप दैट यू ऑल विल बी फाइन एंड एंजॉइंग गुड हेल्थ एट योर होम्स। आई एम टीचर तैयबा, योर इंग्लिश टीचर। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स ओपन योर बुक पेज नंबर 22। ओके, यू कैन सी द डेफिनेट आर्टिकल्स। वी हैव स्टडीड अबाउट द टू आर्टिकल्स ए एंड एन। ओके, दिस इज़ द थर्ड वन आर्टिकल विच इज़ कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल। ए और एन जो हमारे आर्टिकल थे उसको हम बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स, और जो दी है, ठीक है, दी, इसको हम बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। और दी का यूजेस कहाँ कहाँ होता है उसको आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो उसने बात की हुई है वो कहता है कि व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग ऑलरेडी नॉन और विच हैव बीन प्रीवियसली मैंशन, ठीक है, किसी ऐसे भी चीज़ से पहले हम लोग दा लगाते हैं जो कि जिसके बारे में पहले बात हो चुकी होती है, ठीक है। लाइक आई हैव अ पैरट, अब पैरट के बारे में बात हो चुकी है ना पहले, ठीक है। अब नेक्स्ट वो कह रहा है द पैरट इज़ ग्रीन, डू यू नो वेयर आई लेफ्ट द कीज़, ठीक है। अब इसमें जो है उसने पैरट, क्योंकि चूँकि पैरट के बारे में पहले बात हो चुकी थी, वही उसने बताया है कि अगर किसी चीज़ के बारे में पहले बात हो चुकी हो उसको हम नेक्स्ट सेंटेंस में भी बताना चाह रहे हों तो उसको उससे पहले हम लोग दा का यूज़ करते हैं, ठीक है। और विच हैव बीन प्रीवियसली मैंशनड, जो कि प्रीवियसली मैंशन हो गई हो। नेक्स्ट है वी डिफाइन और आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर पर्सन और ऑब्जेक्ट, किसी भी खास चीज़ को या शख्स को जब हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, उसकी शनाख्त को जाहिर करना है तो उससे पहले हम लोग दा लगाते हैं। जिस तरह कैन यू सी द बॉय इन द रेड शर्ट, अब किसी खास बंदे के बारे में वो पूछ रहा है ना, किसी एक बंदे के बारे में, किसी खास बंदे में, ठीक है, वो सबके बारे में नहीं पूछ रहा, वो एक ही लड़के के बारे में पूछ रहा है कि कैन यू सी द बॉय इन द रेड शर्ट, तो इसलिए हम लोगों ने रेड और बॉय से पहले दा लगाया है, ठीक है, ए और एन नहीं लगाया। नेक्स्ट है द मैन हु रोट दिस बुक इज़ फेमस, ठीक है। अब एक ही वो बंदा है ना जिसने वो बुक लिखी है, ठीक है, स्पेसिफिक बंदे की बात हो रही है, खास बंदे की बात हो रही है, एक बंदे की बात हो रही है, तो इससे पहले हम लोगों ने दा लगाना है, ठीक है। रेफर टू पीपल और ऑब्जेक्ट्स दैट आर यूनिक, ठीक है, ऐसी चीज़ों से पहले हम लोग दा लगाते हैं जो यूनिक होती हैं, ठीक है, बहुत रेयर होती हैं, बहुत कम होती हैं, ठीक है। लाइक क्लाउड्स ड्रिफ्टेड अक्रॉस द स्काई, ठीक है, स्काई आसमान जो है हमें जो ऊपर नज़र आता है वो एक ही है, ठीक है, तो इससे पहले हम लोग दा लगाएंगे, स्काई जो है वो यूनिक है। द सन सेट्स एट 7 o'clock इन द इवनिंग, ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने सन से पहले दा लगाया है क्योंकि सूरज तो हमें एक ही नज़र आता है, एक सूरज यूनिक है। नेक्स्ट है बिफोर सुपरलेटिव्स और एडजेक्टिव्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स, ठीक है, सुपरलेटिव्स क्या होते हैं, वो जो डिग्रीज होती हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग जो है जिस तरह हाई, हाई है एक लफ्ज़ है हाई, ठीक है, अब इसकी सेकेंड डिग्री होगी हायर, ठीक है, थर्ड होगी हाइएस्ट, तो जो थर्ड डिग्री होती है उसको हम बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। तो हम लोग सुपरलेटिव डिग्री से पहले, थर्ड डिग्री से पहले दा लगाते हैं, दिस इज़ द हाईएस्ट बिल्डिंग इन लाहौर, ठीक है। नेक्स्ट है दिस इज़ द थर्ड टाइम आई हैव कॉल्ड यू टुडे, ठीक है, और ऑर्डिनल नंबर्स, ठीक है, अब थर्ड जो है इसको ऑर्डिनल नंबर हम लोग बोलते हैं, सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, तो उससे पहले भी हम लोग दा लगाते हैं। नेक्स्ट है विद नाउंस टू रेफर टू अ होल ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, जब हम नाउन्स के बारे में बता रहे हों और वो नाउन जो है अपनी ही किस्म के एक पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा हो, जिस तरह पुअर का जो है यहाँ पर ये अपने सब गरीबों के बारे में बात हो रही है, ठीक है, किसी एक गरीब के बारे में बात नहीं हो रही, इसी तरह जिराफ जो है सब जिराफ्स के बारे में बात हो रही है, किसी एक जिराफ की बात नहीं हो रही, जिस तरह द जिराफ इज़ द टॉलेस्ट एनिमल, ठीक है, शी हैज़ गिवन अ लॉट ऑफ मनी टू द पुअर। With the names of rivers, mountain ranges, groups of islands, canals and oceans, ठीक है, हम किस अगर कहीं जो है river का नाम आ जाए, mountain का आ जाए, ठीक है, island का आ जाए, canal, oceans का आ जाए, तो उससे पहले भी हम लोग दा लगाते हैं। Like their ship crossed the Atlantic in 3 days, they caught fish from the Ravi, hiking across the Himalaya would be difficult, ठीक है, उससे आगे है with the names of famous buildings, museums और monuments, मोनोमेंट्स कहते हैं यादगारें, जो पुरानी यादगारें होती हैं ना, जो किसी की याद में बनाई जाती हैं, जिस तरह शाही किला है, ठीक है, ये एक मोनोमेंट है। वी वेंट टू द लाहौर म्यूज़ियम, ठीक है, लाहौर म्यूज़ियम एक जो है फेमस जगह है, ठीक है, मोनोमेंट है। इसी तरह सारा विजिटेड द फैसल मोस्क, ठीक है, अब ये एक प्लेस है, ठीक है, फेमस बिल्डिंग है, तो इसलिए हम लोगों ने इधर इससे पहले दा लगाया। अब आप लोगों ने ये जो है फिल इन द ब्लैंक्स जो है ये करनी है, ठीक है, फिल करनी है। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, ठीक है, अब लार्जेस्ट सुपरलेटिव डिग्री आ गई, तो इसके पहले हम लोग ने दा लगाना है। माई कज़न इज़ डैश डॉक्टर, माई कज़न इज़ अ डॉक्टर, ठीक है, आ डॉक्टर आएगा, इसके साथ दा नहीं आएगा।
Next said, there is an orange on the table. Bring me a bottle of water. Sadia is an honest girl. He quickly ate the cake. उससे आगे देखें आप, ये जो sentences हैं उन्होंने यहाँ पर skip किया हुआ है article को. आपने articles लगा के उसको अपने सही करके अपनी notebook के ऊपर लिखना है. Indus is longest river in Pakistan. इधर आएगा, Indus is the longest river in Pakistan. इसी तरह इसका सही है, egg has an oval shape. He lives in the house next to ours. His father likes to read the daily news. You can go anywhere in the world. ठीक है, आगे देखें बच्चों. आगे उसने बताया हुआ है कि हमको पता, हमें पता है कि हम लोग ए जो हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ लगाते हैं, एंड जो है वो हम किसके साथ लगाते हैं, वाउल साउंड्स के साथ. ठीक है, तो वाउल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू. ठीक है, तो इस इनके जो साउंड्स हैं बच्चों उसको हम लोग उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि इन वर्ड्स के ऊपर. जिस तरह आप, ये एक वर्ड है आवर, इसमें एच जो है, एच जो है, ठीक है, वो वाउल तो नहीं है, लेकिन ये जो साउंड दे रहा है वो वाउल की साउंड दे रहा है, आवर. ठीक है, आवर, और ओ का साउंड दे रहा है, आवर. तो इसलिए हमने इससे पहले एन लगाया है. इसी तरह आप ये देखें, यह है वर्ड है रैप्ड. ठीक है, रैप्ड, इसमें डब्ल्यू तो साइलेंट है, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग जो साउंड है वो कौन सा है, वो कॉन्सोनेंट साउंड है, रैप्ड. तो इसलिए हम लोगों ने इससे पहले ए लगाया है. ठीक है, इसी तरह आप लोगों ने ये साइलेंट लेटर्स के साथ उसी के अकॉर्डिंग करना है कि हम लोगों ने वाउल साउंड्स देखने हैं, वाउल लेटर्स नहीं देखने. उसके बाद देखें, ये उन्होंने डिग्रीज बताई हुई हैं, पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री है. ठीक है, पॉजिटिव डिग्री होती है कि जो, जिसमें हम लोग सिंपल जो है वो एडजेक्टिव लिख देते हैं. ठीक है, दिस पाथ इज़ लॉन्ग. ठीक है, अब इसकी कंपैरेटिव डिग्री होगी, जब हम कंपैरिजन करते हैं किसी चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ, तो हम लोग, अगर कंपैरिजन दो चीज़ों के दरमियान हो रहा हो तो हम अपना कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ करते हैं. लाइक दिस पाथ इज़ लॉन्गर देन दैट. ठीक है, ये पाथ उस पाथ से ज़्यादा लंबा है. दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन हुआ, हमने लगा दिया लॉन्गर. ठीक है, थर्ड डिग्री होगी, सुपरलेटिव डिग्री होगी, लॉन्गेस्ट. ठीक है, दिस पाथ इज़ द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द पाथ्स. तो अब इसमें जो कंपैरिजन है दो से ज़्यादा चीज़ों के साथ हुआ है, वो तमाम पाथ्स के साथ उसका कंपैरिजन कर रहे हैं कि ये वाला जो पाथ है बाकी तमाम पाथ्स से ज़्यादा लंबा है. ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने थर्ड डिग्री का यूज़ किया, सुपरलेटिव डिग्री का, लॉन्गेस्ट. लाइक हैवी, हैवियर एंड हैवीएस्ट. ठीक है, नेक्स्ट देखें, इसी तरह इन्होंने ये भी किया हुआ है. अब आप लोगों ने बच्चों क्या करना है कि इसको लेना है लार्ज, यंग, ब्रेव, ओल्ड, फास्ट. इनके आप लोगों ने सेकेंड और थर्ड डिग्री को नोटबुक के ऊपर लिखना है, ये मैंने इधर मेंशन किए हुए हैं, और इससे आप लोगों ने सेंटेंसेस बनाने हैं. ठीक है, लाइक लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, यंग, यंगर, यंगेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, फास्ट, फास्टर और फास्टेस्ट. ठीक है, इसको आप लोगों ने अपनी नोटबुक के ऊपर लेके आना है, और इसके अलावा आप लोगों ने इसको अपनी नोटबुक के ऊपर लेके आना है, बाकी सारा आप लोगों ने बुक के ऊपर ही करना है. अल्लाह हाफिज़.